या सर ना अब माननीय होम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं मैं भाषण नहीं करूंगा सिर्फ दो सवाल पूछना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इनका जवाब देंगे मुझे बहुत खुशी है कि पौने आठ घंटे अभी चर्चा हुई और जब तक माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे शायद पौने नौ घंटे होंगे और मैंने अपने 35-36 साल के अरसे में कभी इतनी बहस कश्मीर पे होते नहीं देखी और इतने भरे हाउस में तो उसका मतलब है कि चारों तरफ से सभी एमपीज़ ने सभी पार्टीज़ ने इस गंभीरता को महसूस किया है और सब ने बहुत ही अच्छे वातावरण में बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ बात की और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जनाब होम मिनिस्टर साहब अपील भी करेंगे पार्लियामेंट की तरफ से कश्मीरी आवाम को दो सवाल मेरे हैं एक ये कश्मीर में वादी में आम बात इस वक्त चल रही है कि जो ही हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अमरनाथ यात्रा ख़त्म होगी उसके बाद वैली को आर्मी के हवाले किया जाए मेरे ख्याल में ये होम मिनिस्टर साहब को क्लियर करना चाहिए क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो फिर न कुछ होने से पहले कुछ हो जाएगा तो ये बहुत ज़रूरी है कश्मीर के हालात को ठीक करने में इसका स्पष्टीकरण करना दूसरा आप सुबह से ही यहाँ लीडर ऑफ द हाउस और जनाब होम मिनिस्टर साहब ने सुना सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हम भी जानना चाहते हैं हमने भी कहा है और हम सब की ख्वाहिश है कि ये नौकरी से तो मामला हल होगा नहीं इकोनॉमिक पैकेज से भी हल नहीं होगा हम बहुत इकोनॉमिक पैकेज नौकरी सड़क बिजली स्कूल इंस्टीट्यूशन को बहुत पीछे छोड़ गए हैं इस वक्त के हालात में इस वक्त बात करने की ज़रूरत है तो मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या आप मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ और जो मॉडरेट्स हैं और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर में क्या कम से कम इसके उनसे बात करना शुरू करेंगे मैं पाकिस्तान की अभी वो हालात नहीं हैं जो UNO पहुंच गया है कहां कहां पहुंच गया है लेकिन अपने घर से तो हम शुरुआत करें अपने घर के लोगों के से तो बात करेंगे तब हम परायों से बात करेंगे अगर मॉडरेट के साथ दूसरे मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लोग हैं अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे तो शायद इनके आज के हालात को ठीक करने में कुछ मदद होगी और क्या आज हो या हफ्ते बाद हो क्या पार्लियामेंट्री ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाएगा करें बहुत बहुत धन्यवाद